नमस्कार, द ग्रेट ओडिशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हेल्थ टॉपिक है यूरिन इन्फेक्शन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट यूरिन इन्फेक्शन। आज हम डिस्कशन करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। इसको मेडिकल टर्म में यूटीआई भी कहा जाता है। चलिए इस टॉपिक के दौरान हम लोग किस किस पॉइंट का कवरेज करने वाले हैं। नंबर वन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन सी बीमारी है। नंबर टू, यूटीआई कैसे होता है। नंबर थ्री, यूटीआई का सिम्टम क्या है। नंबर फोर, यूटीआई से कैसे बचें। नंबर फाइव, यूटीआई का ट्रीटमेंट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। नंबर वन, व्हाट इज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन सी बीमारी है। किसी तरह का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, इंसान के शरीर में यूरिथ्रा के द्वार अगर प्रवेश कर गया तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। नंबर टू, यूटीआई कैसे होता है। यूरिन इन्फेक्शन किसी भी एज में हो सकता है। चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड एज में ज्यादातर फीमेल केस में ज्यादा दिखाई देता है यूटीआई। वैसे तो यूटीआई होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नंबर वन, सिंगल टॉयलेट को बार बार ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यूज करना, पब्लिक टॉयलेट, कॉलेज टॉयलेट, स्कूल टॉयलेट और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन टॉयलेट। नंबर टू, बेबी या चाइल्ड लॉन्ग टर्म के लिए डायपर ना चेंज करे और बेबी उसमें बार बार पेशाब करे तो इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मेल पार्टनर अगर सेक्स के तुरंत बाद यूरिन पास कर ले तो यूटीआई होने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है। और एक ओल्ड एज में प्रोस्टेट पेशेंट, जिसका प्रोस्टेट, जिन ओल्ड एज पेशेंट का प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है उसको यूटीआई होने का चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, यूटीआई का सिम्टम। यूटीआई होने से सिम्टम क्या होता है। यूरिनेशन के दौरान या यूरिनेशन के बाद यूरिथ्रल में जलन और इरिटेशन लगना, हाई फीवर होना, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होना और अलग सिम्टम भी दिखाई देना। कॉम्प्लिकेशन, अगर यूटीआई को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। नंबर वन, सेप्सिस एंड नंबर टू, टेम्पररी किडनी फेलियर भी हो सकता है। हेल्थ टॉपिक का नंबर चार पॉइंट, प्रिकॉशन कैसे लिया जाए और यूटीआई का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। नंबर वन, सिंगल टॉयलेट यूज करें, टॉयलेट को बार बार क्लीन रखें और डिसइंफेक्टेंट यूज करें। नंबर टू, अगर कुछ यूटीआई के सिम्टम लगे तो डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर का एडवाइस यही रहेगा, यूरिन का रूटीन टेस्ट करवाएंगे और कल्चर सेंसिटिव करवाएंगे, कुछ एंटीबायोटिक एंड अल्कलाइजर और एंटी फीवर टैबलेट से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ मैं मेडिसिन के नाम बोलता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, आप खुद ना ट्राई करें, डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जैसे मेडिसिन एग्जांपल, नाइट्रोफिरेंटाइन टैबलेट 50 मिलीग्राम से 100 मिलीग्राम डेली आप ले सकते हैं 10 दिन तक। और सिरप अल्कलाइजर आप ले सकते हैं 5 ml करके दिन में 3 बार। और फीवर आने से पैरासिटामोल अकॉर्डिंग टू एज आप डोज ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और ज्यादा से ज्यादा यूरिनेशन पास करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर कुछ गलती हुआ